महाकाल की शाही सवारी का नाम बदलने की मांग की गई है। भक्तों ने कहा कि शाही इस्लामिक शब्द है। बीजेपी प्रवक्ता ने भी शाही शब्द पर आपत्ति जाहिर की। शाही की जगह राजसी, दिव्या या फिर भव्य सवारी कहने का सुझाव दिया गया। मंदिर के पुजारी बोले कि हमें शाही शब्द से दिक्कत नहीं है, सियासत करना राजनेताओं का काम है। पुजारी ने कहा यह बड़ी बात है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि हमें शाही शब्द से कोई दिक्कत नहीं, इस पर सियासत करना राजनेताओं का काम है। महाकाल की शाही सवारी का नाम बदलने की मांग अब उठी है। भक्तों ने कहा है कि इस्लामिक शब्द है शाही। बीजेपी प्रवक्ता ने भी शाही शब्द को लेकर आपत्ति जाहिर की और शाही की जगह राजसी, दिव्य या भव्य सवारी कहने का सुझाव दिया, जिस पर मंदिर के पुजारी का कहना है कि हमें शाही शब्द से कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी आपत्ति नहीं है, सियासत करना राजनेताओं का काम है। क्या कुछ कहना है पुजारी का, सुनवाते हैं आपको। शाही सवारी का अर्थ ये नहीं हो जाता है, इस मुस्लिमों ने इस मंदिर को अपनी ओर से घी तेल दिया है, मुस्लिमों ने भी इस मंदिर के लिए कुछ राशियां दी है, तो ऐसा इस जगह इस तरीके की बात उठाना हिंदू और मुसलमान में विमनुष्यता पैदा करना। तो देखिए मंदिर के पुजारी का साफ कहना है कि हमें शाही शब्द से कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता का ये ट्वीट देखिए सोशल मीडिया एक्स पर, वो लिखते हैं कि बाबा महाकाल की शाही सवारी के नाम पर उज्जैन के विद्वान भक्तजनों ने आपत्ति ली और सवारी को इस्लामिक शब्दों के साथ शाही कहने पर आक्रोश व्यक्त किया है। तो देखिए बीजेपी प्रवक्ता ने भी आपत्ति जाहिर की है और सोशल मीडिया एक्स पर ये पोस्ट भी किया है, लेकिन इस पर पुजारियों का कहना है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, सियासत करना राजनेताओं का काम है, ये कहना है मंदिर के पुजारी का। और चल इसी पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे उज्जैन का संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, आज शाही सवारी निकाली जानी है बाबा महाकाल की, लेकिन शाही शब्द को लेकर अब बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी की ओर से प्रवक्ता ने भी इस पर आपत्ति जाहिर की, कुछ भक्तों ने भी कहा, लेकिन पुजारी कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, सियासत करना राजनेताओं का काम है। संतोष बिल्कुल रितु बताना चाहेंगे, राजाधिराज महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर शाही थर्ड बार्ड के साथ निकलते हैं, इस पर अब कहीं ना कहीं शाही शब्द पर राजनीतिक स्टंट, राजनीतिक बयानबाजी चालू हो गई है। वहीं मंदसौर के जो पूर्व विधायक राजपाल सिसोदिया है, उन्होंने मांग की है कि शाही की जगह राजसी कर देना चाहिए। वहीं महाकाल मंदिर के जो मुख्य पुजारी महेश पुजारी जी है, उनका कहना है हमें इस शब्द से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि राजाधिराज शाही अंदाज के साथ निकलते हैं, प्रजा का हालचाल जानने निकलते हैं। शाही शब्द ऐसा नहीं है कि इस्लामिक हो, शाही तो रूप होता है, शाही अंदाज होता है, उसी प्रकार नगर भ्रमण पर निकलते हैं। इससे हमें राजनेताओं से उनको राजनीति कर सब से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की एकता का परिचय देता है उज्जैन नगर। अगर राजाधिराज नगर भ्रमण पर निकले तो मुस्लिम परिवार भी राजाधिराज का स्वागत करते हैं, हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। कई ऐसे मुस्लिम परिवार है जो आज भी महाकाल के प्रति आस्था रखते हैं, दान देते हैं, तो हमें इस शब्द से किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन राजाधिराज महाकाल तो शाही रूप में ही आज नगर भ्रमण पर निकले, आप देख सकते हैं ये जो भव्य नजारा है। सबसे पहले तस्वीर हम विस्तार न्यूज के दर्शकों को दिखाते हैं, राजसी थाट बाट के साथ चांदी की पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर भक्तों के बीच में पहुंच रहा है और भक्तगण भी उत्साहित है। सड़कों के दोनों तरफ बैरिकेडिंग के पीछे भक्तगण राजाधिराज महाकाल का जी, कब हम उनके ऊपर कुछ चर्चा करें। कहीं ना कहीं जिस प्रकार जो राजसी थाट बाट के साथ राजाधिराज नगर भ्रमण पर निकले हैं, सबसे पहले कड़ाबीन के माध्यम से स्वागत किया जाता है कि राजाधिराज नगर भ्रमण के लिए निकल चुके हैं। यहाँ पर बिल्कुल संतोष हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि नगर भ्रमण पर निकल चुके हैं बाबा महाकाल प्रजा का हाल जानने, लेकिन शाही शब्द पर सारी सियासत कहाँ पहुंचेगी देखना को। फिलहाल संतोष शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए आज बाबा महाकाल की शाही सवारी निकाली जा रही है उज्जैन में और सावन भादो मास की आखिरी और सातवीं सवारी है, जिसमें सात रूपों में बाबा महाकाल प्रजा को दर्शन देने निकले हैं।